सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सईद द व्लॉग्स। तो नींद में से विग्गी ने मुझे उठा दिया है और अब मैं ग्रिल पे खड़े होकर वेट कर रहा हूँ जोमेटो वाले भैया का, क्योंकि सुबह सुबह विग्गी ने मंगवाया है डोसा और शायद मेंदू वड़ा। और वो कह रहे हैं, वो लोकेशन में दिख रहा है, हमारे एड्रेस पर पहुँच चुका है, लेकिन वो नहीं दिख रहे, पूरी गली में कोई भी नहीं है। इंतजार के बाद अरे 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 मैं बता भी रहा हूँ, फिर भी सीधा यार है भाई। मैं वैसे थोड़ी बता रहा हूँ, मुझे पता, तभी तो बता रहा हूँ। जी आ गया डोसा, ये अंदर इसमें केले के पत्ते पे है, ये ले मैंने इसमें। और ये मम्मा का मिंदू वड़ा, मिंदू वड़ा। ये क्या, उसमें दो डोसे हैं, प्लेट में डाल के पत्ते में रख ले। मम्मा और मैं जा रहे हैं मम्मा की कटिंग कराने, वो आ रही मम्मा पीछे। नीचे मम्मा और मैं उतर गए और मुझे अभी याद आया मैंने स्कूटी की चाबी नहीं ली। बांध लिया मैंने, थोड़ा सा दूर जाना है इसलिए। ताले लगा लेना, ताले लगा। ये हमें मिल गया इतना सारा मॉडल टाउन में ट्रैफिक। अम्मा लाइट, ग्रीन लाइट हुई हुई है, ये देखो जब भी सब खड़े हुए हैं, सब हम भी खड़े रहते हैं। मैं यहाँ करवाती हैं कटिंग जीटीबी। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं मम्मा की कटिंग को। अरे मैं डर गया, मेरी स्कूटी कहाँ कहाँ गई मम्मा? अब आपसे नहीं बांध लू, अभी हमारे साथ रास्ते में क्या हुआ, हमारी मेरी स्कूटी बंद हो गई थी रेड लाइट पे, वही ट्रैफिक में। वो मेरे को लग रहा है बंद खोल स्कूटी जो करनी पड़ रही थी ना, इस वजह से हो गया। क्योंकि इससे किक मरवाई फिर स्टार्ट हो गए। हम वापस जा रहे हैं घर और यहाँ भी ट्रैफिक लगा हुआ है, देखो यहाँ पर भी ट्रैफिक है ही है। ये मेरी मम्मा, चल रहे हम वापस घर और वापसी में भी ट्रैफिक मिल गई क्या। आ गए हैं अब मम्मा और मैं घर, हमने लंच भी कर दिया और बाहर मम्मा ने कुछ खाने को नहीं दिया क्योंकि खाने नहीं दिया। मैं सोचा है पाव भाजी खा के चलेंगे, लेकिन मम्मा ने कहा बहुत दिन से बाहर का ही चल रहा है, सिर्फ बाहर का, इस वजह से आज मम्मा ने बाहर का नहीं खाने दिया। तो अभी हमने लंच कर लिया, उसके बाद मम्मा ने ये ऑरेंजेस दिए हैं छील के। मम्मा जा रही हैं आईब्रो बनवाने, कटिंग वहाँ करवाती हैं, आईब्रो यहाँ कटिंग करवाती है। मैं जी टी भी वो मैंने ब्लॉग में बताई दिया, और आईब्रो यहीं घर के पास ही है, वहाँ बनवाती है। तो कल हमें जाना है शादी में इसलिए, और क्योंकि कल जाना है हमें शादी में, है रिलेटिव्स में, दूर के रिलेटिव्स में है किसी की शादी। हाँ अभी लेटे लेटे मुझे याद आया, मैंने आप लोगों को याद होगा जब मैंने शायद डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी या उसके बाद का, उसके अगले दिन का ब्लॉग था, तो उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि डेकोरेशन जो हमने डेकोरेशन करवाई थी बर्थडे की मेरी बिग्गी की, तो उसके बाद सारी जब डेकोरेशन हटाई तो दीवार का क्या हाल हुआ था, वो मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था। जिसने नहीं देखा व्लॉग वो भी जाके देख लेना व्लॉग। तो अब मैं दिखाता हूँ, देखो लगी नहीं रही, अब वही दीवार है, ये देखो
ये पप्पा ने कर दी कल ही, पूरी दीवार सही कर रही है। वो मैंने व्लॉग में नहीं दिखा क्योंकि मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था, मैंने पोस्ट इसलिए डाल दी थी यूट्यूब पे। एक दिन मैंने जो व्लॉग नहीं बनाया था वो कल ही का दिन था। बिल्कुल साफ सुथरी हो गई अभी दीवार। तो अभी मैं यहाँ पे एडिटिंग करने बैठी हूँ क्योंकि आज जो व्लॉग डालना है उसकी एडिटिंग मैंने अभी तक नहीं करी। तो अभी 7 बज रहे हैं, देखो 9-10 बजे तक अगर एडिटिंग हो गई तो हाथों हाथ पोस्ट कर दूंगी। और फिर आ गए मम्मा और मैं पार्क वॉक के लिए जैसे हम रोज आते हैं, और ये मम्मा ने मेरे सर पे इतना तेल लगाया हुआ है कि मत्थे पर बह रहा है तेल। The next day. So hello and welcome back to my YouTube channel से निदा ब्लॉग। तो आप लोग सोचो कि इतना रेडी हो कि मैंने आज इंट्रो लिया, क्योंकि आज हम जा रहे हैं वो शादी में, मतलब रिलेटिव्स में है किसी की शादी, तो आज हम जा रहे हैं वहां। तो मैंने सोचा मैं पूरा रेडी होके बोलूँ, और मेरे साथ आज एक वो हो गया, मैंने टाइम लैप्स पूरा रेडी होते हुए मैंने फ़ोन रख दिया कि मेरा टाइम लैप्स ऑन है, और मैंने ऑन ही नहीं करा था। तो चलो कोई बात नहीं, अब आगे जो भी मतलब निकल ही रहे हैं तो मैंने कहा पहले घर से इंट्रो ले लूँ, और अभी आपको मिरर में अपना आउटफिट दिखाती हूँ। ये देखो ये है मेरा आज का आउटफिट, ये मतलब ये गाउन है, मैंने इसके ऊपर मम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे गर्म ये कोट पहना दिया क्योंकि आज क्या है यहाँ ठंड हो ही रही है, इसलिए ये देखो। तो चलो आगे जैसे भी शूट करूंगी तो बताती हूँ आप लोगों को, जो भी मतलब जो भी शूट करूंगी वो दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? स्टे ट्यून्ड। ब्लैक में बिग्बी भी ब्लैक, मम्मा भी ब्लैक, पप्पा भी ब्लैक, मैंने ब्लैक नहीं पहना। निकल गए हम घर से, निकल गए हम घर से। अब देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं, और हमें जाना है आज शादी में ओखला, तो एक घंटे से ऊपर तो लगेगा आराम से। बाहर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, तो अभी गाड़ी रोक के उतरे हैं शीशा साफ करने, उसकी वजह से बिल्कुल भी दिखाई नहीं। पहुंच गए हम, और ये हो रही है ब्राइड की एंट्री, मतलब हम जब पहुंचे तो हमारे आगे आगे ब्राइड की एंट्री होती है, और हम तभी बिल्कुल पहुंचे थे। तो जिन जिन लोगों ने मेरा सिलमपुर वाला लास्ट टू लास्ट व्लॉग देखा है वो लोग सारा को पहचान ही गए होंगे। फिर सबसे मिलने के बाद यहाँ हम आ गए, भल्ले पापड़ी टिक्की ये सब खाने, तो मम्मा पापा और मैं खा रहे थे। और यहाँ चल रहा था ब्राइड का फोटोशूट, और ये मम्मा कर रही थी सबसे बातें, और मतलब मम्मा कर रही थी पप्पा की खाला मतलब पप्पा की मासी से बातें बैठ के। और यहाँ एक एक निवाला करके मूड बन रहा था सबका खाना खाने का, क्योंकि पप्पा एक प्लेट लिया तो सबने एक एक निवाला खाया, तो सबने कहा खा ही लेते हैं खाना। फिर सबने बैठ के खाना खाया साथ में, और खाना सच में बहुत टेस्टी था। यहाँ पे नहारी खाई, अचारी चिकन खाया, कबाब खाए, और मेरे को तीनों चीज़ बहुत बहुत टेस्टी लगी। और आप लोग सोचोगे मैंने इस सेट कैमरा नहीं किया, क्योंकि जो लोग व्लॉग में आना चाहते हैं मैं वो नहीं लेती हूँ, ज़बरदस्ती मैं व्लॉग में किसी को नहीं लेती। और ये देखो यहाँ फिर बिग बी भी आ गए, हमने भी कोई बुला लिया कि आ जाओ आप भी बैठ के साथ में खाना खा ही लो। उसके बाद आई बिरयानी जो मैं नहीं खाता, तो वो सबने खाई। और फिर अब मम्मा मिल रही थी ब्राइड की मम्मी से, ये थी ब्राइड की मम्मी, मतलब ये है पप्पा की कज़न सिस्टर, मतलब मेरी बुआ लगी है, तो इनकी बेटी की शादी थी। और ये देखो ये रे बिग बी और पप्पा, और हम जा रहे थे इस वजह से लास्ट में मिल लिए हम कि अब हम जा रहे हैं। और ये थी ब्यूटीफुल ब्राइड आज की, और सच में मुझे तो बहुत बहुत अच्छी लगी ब्राइड। और फिर हम 11:30-11:30 बजे तक निकल गए घर के लिए, क्योंकि हमें जाना था दूर, मतलब हम आए हैं ओखला शादी में, और यहाँ से हमें घर जाने में एक घंटा तो आराम से लग ही जाएगा।
वापस घर। और थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया मैंने आज, ज्यादा नहीं बनाया। यहाँ कुत्ते घूमने की आवाज आ रही है, देखो कितने सारे। पहुंच गए हम वापस घर और हमें आने में सिर्फ लगे 45 मिनट्स और जाने में लगे थे हमें 1.5 घंटा, क्योंकि हम गलती से नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गया था और उस पर हमें नहीं चढ़ना था और बहुत दूर तक चलेगा, तो जाने में तो हमें 1.5 घंटा लगा। तो हम पहुंचे थे 10 बजे, जल्दी निकल गए थे और अभी हम पहुंच गए 45 मिनट्स में, 1 घंटे से भी कम में पहुंच गए घर। इसे देखो, आके बैठते ही मैंने आ गई। बैठ जा। ये मम्मा ने ये पहना था आज। अरे ये क्या नीचे, अच्छा मम्मा ने चेंज भी कर लिया, मैं सोच रहा हूँ नीचे पजामा कहाँ से आ गया। और ये मम्मा ने ऊपर स्वेटर पहनी थी, मैं मना कर रहा था मत पहनो। और आज तीनों ब्लैक में थे, पप्पा मम्मा बिग भी तीनों ब्लैक में थे। मेरे पास भी ब्लैक गाउन है, मम्मा ने बोला भी था वो ब्लैक गाउन पहनने को, लेकिन मैंने पहना नहीं क्योंकि पहन चुका हूँ मैं एक आधी शादी में, इस वजह से मैंने वो नहीं पहना। और अब सबसे बड़ा काम है ये समेटना। नीरा मार खाएगी, देखो कितनी अच्छी है मम्मा। और मम्मा का मेकअप मैंने, मतलब मेकअप क्या, आंखों के ऊपर वो आई मेकअप मैंने करा, आंख बंद करो, सिंपल सिंपल। और मेरा भी मैंने ही करा है। मेरा भी मैंने मतलब मैंने खुद करा। तो ये पहने थे मैंने कपड़े, मम्मा ने ऊपर स्वेटर पहना, वो जैकेट पहना दी थी, उसमें दिख नहीं रहा था। बाकी इस कपड़ों में मेरी फोटो तो इंस्टाग्राम पे पहले की डली हुई है, एक बार पहना हुआ है, व्लॉग में दिखा दूं। और आज कोई भी फोटो नहीं खींची मैंने, और मैं अपने आई मेकअप वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश में। और ये देखो, बार बार कभी ऐसे करूं कभी वैसे करूं। और ये वीडियो मुझे सच में बड़ी फनी लगी, मैंने सोचा व्लॉग में डालू ना डालू, मैंने कहा डाल ही दूं, आप लोग भी हंस लेना। तो आप लोग बताने फनी है या नहीं। देखो बिग्बी हूर को अपना ब्रेसलेट पहना रहे, ध्यान ना, ये देखो टाइट तो नहीं है, उंगली आ गई, खड़ी तो हो जा, देखिए उसके बालों में ही नहीं दिख रहा। ये लो चूहे की तरह कैसे चिपक चिपक के चल रही है जमीन में। तू मेरा ब्रेसलेट दे, चले जा चल। गिराएगी अभी, नाखून मारेगी, नाखून खुजाते हुए नाखून से नग निकल जाएगा। ये ऐसी पहाड़ी पहाड़ी है। तो व्लॉग भी मैंने यहीं से स्टार्ट करा था और व्लॉग एंड भी मैं यहीं से करती हूँ। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड। और फोटो वगैरह मैंने कुछ भी नहीं क्लिक करी वहाँ पर, व्लॉग भी थोड़ा थोड़ा जहाँ मुझे सही लगा मैंने वहाँ व्लॉग बना लिया। और इस व्लॉग में मैं तो बहुत ही कम दिख रही हूँ क्योंकि फ्रंट कैमरे से जो मैंने बना लिया। बाकी जाते हुए मैंने आउटफिट आप लोगों को दिखाई दिया था मैंने क्या पहना है। तो ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो बस 2 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। ये देखो हमारे यहाँ सेंटा आया है, चॉकलेट दे रहे हमें सेंटा, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा उधर भी एक है।